सलमान खान नहीं होते तो साल 2016 में ही हो गया होता सोहेल खान और सीमा सचदेवा का तलाक। सलमान खान ने काफी समझाने की कोशिश की मगर नहीं मानी उनकी भाभी। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह सलमान ने अपने भाई का घर बचाने की दो दो बार कोशिशें की मगर फिर भी उन्हें निराश होना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान को साल 2016 में सोहेल खान की शादी पर संकट की खबर मिल गई थी। उन्हें पता चल गया था कि उनके भाई का घर टूटने वाला है। इसके बाद सलमान ने सीमा सचदेवा और सोहेल खान की शादी को बचाने की जद्दोजहद की। बताया जाता है कि तब सलमान खान ने अपनी भाभी को तलाक न लेने को कहा, जिसके बाद वो मान गईं और फिर सोहेल खान से अलग रहने लगीं। सलमान से हुई इस बातचीत के बाद उनकी भाभी ने तलाक के फैसले को टाल दिया था। एक शो में सीमा खान ने बताया, मैं अपने स्पेस में रहती हूँ, बच्चों का दोनों घरों में आना जाना रहता है, कभी कभी जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके रिश्ते अलग दिशा में जाने लगते हैं। मैं इससे दुखी नहीं हूँ क्योंकि हम खुश हैं और हमारे बच्चे खुश हैं। सोहेल और मेरी शादी कन्वेंशनल नहीं है लेकिन हम परिवार एक ही हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि सलमान खान को 2016 में ही तलाक लिए जाने की खबर के पीछे का मामला भी बताया गया था। दरअसल सोहेल खान के साथ हुमा कुरैशी का नाम जोड़ा गया। इन दोनों की मुलाकात एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान हुई थी। ये नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ी कि उस वक्त हुमा कुरैशी उसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई थी जिसमें सोहेल खान रहती थी। उसी के बाद से सीमा खान घर छोड़कर भी चली गई थी। हालांकि इस पर सीमा ने बताया था, मुझे नहीं पता कि ऐसी अफवाह कहां से आ रही है, मैं घर छोड़कर नहीं गई थी बल्कि बेटे और सास ससुर के साथ पनवेल फार्म हाउस पर थी। बताते हैं कि पनवेल फार्म हाउस पर भी सलमान खान ने खूब चाहा कि किसी तरह बात बन जाए। सीमा खान ने जब तलाक के लिए अर्जी दी भी सलमान खान ही वो शख्स थे जिन्होंने अपने घर पर इस कलंक को हटाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान अपने भाई सोहेल खान को समझाने के लिए उनके घर भी गए थे। काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई थी। कहते हैं कि सोहेल खान तो समझ गए मगर सीमा सचदेवा को मनाना आसान नहीं था। सलमान खान इसके बाद सीमा सचदेवा के घर पहुंचे, उनके तलाक लेने की वजह जानी तो सीमा सचदेवा अड़ी रही। सलमान खान इस दौरान अपने परिवार की इज्जत की दुहाई देते रहे। मलाइका अरोड़ा की तरह ही घर में दूसरी शादी न टूटने के लिए अपना समर्पण करने के लिए तैयार थे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सलमान खान की बात सीमा सचदेवा को मान लेनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।